क्या आप जानते हैं कारकों की प्रकृति, उदाहरण के लिए सफेद फूल के कारक कैपिटल वीवी को जीनोटाइप तथा इनसे प्रदर्शित लक्षणों को फेनोटाइप कहा जाता रहा है, अर्थात कारकों के समग्र समूह जिनसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं जीनोटाइप हैं तथा बाह्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षणों को फेनोटाइप कहा जाता है। मगर वैज्ञानिक ए जोहनसन ने पहली बार जब 1909 में विविधता संबंधी अध्ययन के अपने पर्चे में इन शब्दों को प्रस्तावित किया तो उन्होंने लिखा, जीन युग्मक गैमेट या उनके मेल से बनी कोशिका में पाए जाने वाले कारकों की इकाई है और समग्र जीन युग्मक या कोशिका का जीनोटाइप है। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी काफी जीनोटिपिक समानता पाई जाती है। एक जैसे जीनोटिपिक समानता वाले जीवों में विभिन्न पर्यावरण के प्रभाव से उत्पन्न भिन्न प्रकार फेनोटाइप है, यानी जीनोटाइप वंशांगत लक्षण है और फेनोटाइप अवंशांगत लक्षण दर्शाता है। इस अनुच्छेद से हमें ये समझ में आता है कि वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग व अर्थ समय के साथ बदलता है। 15.2.5 मेंडल के नियम, मेंडल्स लॉ। मेंडल को अपने अनुमान एवं प्रयोगों से पता चला कि परागकण व बीजांड बनते समय एक जोड़े कारक में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं, यानी बैंगनी या सफेद फूल वाले मटर के पौधे के युग्मक अर्थात परागकण या बीजांड में एक बैंगनी कारक या एक सफेद कारक होगा। बीजांड और परागकण के मेल से बने बीज में रंग के दो कारक होंगे, ये दोनों बैंगनी कैपिटल वीवी, दोनों सफेद स्मॉल वीवी या एक बैंगनी एक सफेद कैपिटल वी स्मॉल वी हो सकता है। मेंडल के अनुसार युग्मक में कारक एक दूसरे से पृथक होकर पहुंचते हैं। यह मेंडल के पृथककरण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल ने प्रयोग सिर्फ एक एक गुण के साथ ही नहीं किया, उन्होंने यह भी देखने की कोशिश की कि यदि एक से अधिक गुणों का विश्लेषण एक साथ किया जाए तो क्या होगा। वे देखना चाहते थे कि क्या दो गुण या तीन गुण एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। एक से अधिक गुणों को लेकर दिए गए प्रयोगों तथा उनसे संबंधित नियम का विवरण परिशिष्ट में है। क्या आप जानते हैं मेंडल ने वंशांगति की अवधारणा को विकसित करने के लिए लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विपरीत एवं समान गुणों के कारकों के जोड़े संबंधी जो अध्ययन किए वे अनुवंशिकी के आधार बने, पर उनके जीवन काल में कोई इसे समझ नहीं पाया। उनकी मौत के लगभग 30 साल बाद इसे सराहा गया। आज हम जानते हैं कि ऐसी भी परिस्थितियां हैं जहां मेंडेलियन नियम हूबहू लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए अलैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में तथा जिनमें गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते। सरसों में गुणसूत्रों का 4 गुणित समूह है तो गेहूं में 2 से लेकर 12 गुणित गुणसूत्र के समूह होते हैं, या जिनमें एक ही गुण के एक से ज्यादा प्रभावी कारक हैं, मानव रक्त समूह। 15.3 मानव में मेंडेलियन नियम अनुसार आनुवंशिकी, ह्यूमन इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ। क्रियाकलाप 1 में हमने कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था, उसमें मेंडेलियन लक्षण था टुड्डी में गड्ढा। यह मेंडेलियन नियम के अनुसार एक से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। सिकल सेल एनीमिया भी लगभग ऐसा ही एक लक्षण है। 15.3.1 सिकल सेल कारक और आनुवंशिकी, फैक्टर्स फॉर सिकल सेल एनीमिया एंड देयर इनहेरिटेंस। मनुष्य में 11वें नंबर के अलिंग ऑटोसोम गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनने का कारक पाया जाता है। इससे सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन व गोल लाल रक्त कोशिका बनती है। इसके कारक को दर्शाने के लिए चित्र में कैपिटल RR सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक के लिए लिया गया है। इसी कारक में बदलाव से हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर होता है, जिससे रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं। चित्र में इस अवस्था के कारकों को स्मॉल RR द्वारा दर्शाया गया है। हंसियाकार कोशिकाओं में
ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है। साथ ही एक सामान्य गोल रक्त कोशिका का जीवन काल जहां 100 से 120 दिन है, एक हसियाकार कोशिका का जीवन काल मात्र 15 से 20 दिन का होता है। इस प्रकार रक्त कोशिकाओं के आकार में बदलाव तथा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी से रोगी बहुत जल्दी थक जाता है। यह तब घातक होता है जब इसके कारक समरूपी स्मॉल आरआर अवस्था में होते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी कारक जिससे गोल रक्त कोशिका बनती है, हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक जिससे हसियाकार रक्त कोशिका बनती है पर प्रभावी होते हैं।